पीछे की लाइटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो वी आर ऑन द राइट टाइम। चार लोग हैं। कितना चार्ज? एक आदमी का 100 रुपया था। साउथ गार्डन घुमाते हम, नॉर्थ गार्डन पे नहीं जाएंगे। हाँ। नॉर्थ गार्डन पे जाना है तो चल के जाना पड़ेगा या बोट से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा, वो पार है, आगे पार है। फाउंटेन उधर होता है। अच्छा, शूटिंग एरिया इधर होता है साउथ गार्डन। ठीक है, साउथ में आप ये कर लो। तो साउथ गार्डन घूमने के लिए हमने ये बग्गी ले ली है, तो इस बग्गी के अंदर ये पूरा हमको साउथ गार्डन जो वृंदावन का है वो घुमाएंगे। 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। जो एंट्री फी है वो भी 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है। एंड उससे पहले हमने 50 रुपीज़ पार्किंग का दिया और 50 रुपीज़ टोल का भरा, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है बाय द टाइम यू एंटर वृंदावन गार्डन्स। मगर जो एक नज़ारा है वो बहुत ही प्लेजेंट लगता है। तो आइए देखते हैं कि भाई वृंदावन गार्डन्स आखिर चीज़ क्या है। Finally, we are in Vrindavan Garden and we have taken the help of buggy to complete the entire Vrindavan Garden. So guys, अभी थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं साउथ गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमारी बग्गी अभी तक भरी नहीं है, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। सामने वाली बग्गी निकल गई है, मगर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सोच के कि भाई आगे, क्योंकि इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ तो हैपनिंग होगा। और एक और बात आपको बता दूँ दोस्तों, बाहर जैसे ही पार्किंग हम करने आते हैं लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे ये बोलने के लिए कि भाई बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है और आपको टिकट के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, तो आपको हम टिकट अभी दे देते हैं, तो वो अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको टिकट दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जो टिकट काउंटर है उस पर इतनी फास्ट मूवमेंट है कि आराम से आपको विद इन 5 मिनट्स टिकट मिल जाते हैं। मुझे तो 2 मिनट लगे टिकट लेने को। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो जब भी आप वृंदावन गार्डन जाएंगे तो इन लोगों से सावधान रहिएगा और ये स्कैम से बचिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा चूना लगा सकते हैं। ये आपसे बात हिंदी में करेंगे, सबसे पहले तो पूछेंगे भाई आपको हिंदी आती है क्या, तो हिंदी में बात करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो आपका टाइम बचा रहे, लेकिन एक्चुअली वो भाई गलत तरीके से आपको स्कैम करके पैसे कमा रहे हैं। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, है ना, कितना ज़बरदस्त व्यू। और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो और भी बढ़िया लगता है। मैं थोड़ा नज़दीक आ गया ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखा सकूं। तो आप जो साउथ गार्डन है वो बोट से भी जा सकते हो, 80 रुपीज़ है अप एंड डाउन उसका। और यहाँ तो आप चल के जा सकते हो, तो चल के जाने में भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो मैंने प्लान किया कि मैं चल के जाऊँगा यहाँ से, और जो बाकी घर वाले हों यहीं रुकेंगे।
क्योंकि मुझे शूट करना है, इसके लिए मैंने सोचा मैं जल्दी से जाके शूट करके आता हूँ। ये बोट है जिसके अंदर बैठ के जाते हैं ऐसे करके, वो देखो बोट जा रही है सामने से, और ये रास्ता चल के जाने के लिए। और देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, ये बहुत बहुत बढ़िया। स्मेल आ रही है थोड़ी सी जो रिवर है उसमें से, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। इसमें जो व्यू पॉइंट है वो बहुत बढ़िया है। So now we are on the southern side of the garden. अब ये देख सकते हैं ये सामने अभी नॉर्थ साइड हो गया है, ये फाउंटेन जो है बीच में है। एंड ये लाइटिंग्स कहते हैं यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन जो है, अभी देखते हैं कि कितने फाउंटेन हैं यहाँ। तो आई थिंक सो दिस इज द म्यूजिकल फाउंटेन, तो देखते हैं कि भाई कितना ये बढ़िया लगता है। तो गाइस ये है कलरफुल फाउंटेन, लाइटिंग से बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था म्यूजिकल फाउंटेन जो कि हिंदी और कन्नड़ सॉन्ग्स के ऊपर डांस करता है, यानी कि जैसे ही बीट बजती है जैसे कि धूम मचा ले बजी जोर से, तो वो फाउंटेन एकदम टॉप पे गया, और फिर जब दूसरा अंतरा आता था तो वो लहराता था और उसको बहुत ही स्टाइलिश तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है म्यूज़िकल फाउंटेन का वो होता है। एंड अभी लाइटें चालू कर दी गई क्योंकि जो ऑडियंस आके बैठी है उनको जो है नीचे उतारना है ताकि और लोग आके बैठे हैं। वैसे ये सिर्फ 8:30 बजे तक चालू रहता है, तो अभी टाइम भी हो रहा है इसके बंद होने का। प्लस अगर आप देख नहीं पाए तो मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, कितना कलरफुल है और कितनी एक प्लेजेंट सी फीलिंग देता है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वापस से सदर्न साइड से नॉर्दर्न साइड ऑफ द गार्डन जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है, फिर वहाँ से हम निकलेंगे मैसूर की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है मैसूर के। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी साइड। तो ये बेसिकली सिटी में एक रिवर होने का एहसास वो बहुत एक अच्छी सी फीलिंग देता है। हमारे पास थेम्स नहीं है, लेकिन ऐसे सब जो गार्डन्स हैं और लेक्स हैं वो अच्छी जगह हैं आके अच्छा एक अच्छी एक शाम बिताने के लिए।
Remat. We're doing some shopping. Hey, Remat. Hello. Garden ghum ke aaye Remat?